तुझे लोगों की अप्रिसिएशन क्यों चाहिए? तुझे लोगों की अप्रिसिएशन क्यों चाहिए? तुझे लोगों का एक्नॉलेजमेंट बेटा, तू अपने आप को कायल नहीं कर सकता, तू लोगों को क्या कायल करेगा? तुमने अभी अपने बाप को कांधा नहीं दिया, तुमने अपनी माँ को अभी कायल नहीं किया, और तू कहता है मैं लोगों को कायल करूंगा। ये लोग न थे बेटा, न होंगे, ये लोग तेरी टांगे कब काटेंगे तुझे पता नहीं चलेगा। अगर मेरे बच्चे जैसा दुनिया में कोई नहीं, बहुत खुशनसीब है। झगड़ा करने के बाद कहती है मैं नहीं रहूंगी ना, तो फिर ना कहना काश माँ की बात मान ली होती। बहुत खुश नसीब है वो जिनकी माँ कहती हैं घर कब आओगे, आंखें तरस गई, या फोन करके कहती है घर आ जाओ, घर का रास्ता भूल गई हो। बहुत खुश नसीब है जिनकी माँ उन्हें फोन ना करने पर, मैसेज ना करने पर डांटती हैं, झड़कती हैं, कहती हैं फोन तो फ्री है, मसला क्या है, इतने क्या बिजी हो तुम। क्या खूबसूरत अंदाज है उनके लाड का, उनके प्यार का, उनके मान का। बहुत खुश नसीब है वो जिनकी माएं कब्रों में जन्नत की खिड़कियों से ठंडी हवाएं पाती हैं, मुस्कुरा के फरिश्तों को बताती हैं मेरे बच्चे मेरे लिए दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सदका देते हैं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मां तेरा शुक्रिया। दूसरे तो बहन भाइयों से पूछती है रोटी खा ली उसने। बहुत खुश नसीब है वो जिनकी माएं उनका माथा चूम कर पूरे यकीन के साथ कहती हैं मेरे बच्चे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। बहुत खुश नसीब है वो जिनकी माएं झगड़ा करने के बाद कहती हैं मैं नहीं रहूंगी ना, तो फिर ना कहना काश माँ की बात मान ली होती। बहुत खुश नसीब है वो जिनकी माएं कहती हैं घर कब आओगे, आंखें तरस गई, या फोन करके कहती है घर आ जाओ, घर का रास्ता भूल गई हो। बहुत खुश नसीब है जिनकी माएं उन्हें फोन ना करने पर, मैसेज ना करने पर डांटती हैं, झड़कती हैं, कहती हैं फोन तो फ्री है, मसला क्या है, इतने क्या बिजी हो तुम। क्या खूबसूरत अंदाज है उनके लाड का, उनके प्यार का, उनके मान का। बहुत खुश नसीब है वो जिनकी माएं कब्रों में जन्नत की खिड़कियों से ठंडी हवाएं पाती हैं, मुस्कुरा के फरिश्तों को बताती हैं मेरे बच्चे मेरे लिए दुआ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सदका देते हैं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मां मेरी भाई मेरे दोस्तों जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिंदगी में हमेशा दूसरों के काम को सॉलो करने की कोशिश करो। लेकिन हमने अपने माइंड को इस तरह प्रिपेयर किया है, हमारी इस तरह गाइडेंस होती है सोसाइटी में, हम हमेशा दूसरों को हम लगे रहते हैं कि दूसरों को कैसे हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, ना कि उसकी प्रॉब्लम दूर करें। क्योंकि यहाँ अक्सर लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, यहाँ अक्सर लोग अब दूसरों के सुखों से बहुत ज़्यादा दुखी है, अपने दुख याद ही नहीं रहते, लेकिन दूसरों के सुख देख देख के वो अपने दुखों में बहुत इजाफा करता है। इसलिए माय डियर ऑलवेज दुनिया के कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदलते हैं, और कमजोर लोग दुनिया के डर की वजह से अपना फैसला। बात हमेशा इल्म से करो, ताकत से नहीं, क्योंकि इल्म के आगे हमेशा ताकत छोटी पड़ जाती है। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं आती, इसलिए आती है क्योंकि उनसे अपनों की पहचान हो जाए। Don't tell your dreams to everybody and let him surprise you and me, and let God do what he wants to do in your life. Work in silence, your dreams will attract your enemies and haters.
बात अलम से करो, ताकत से नहीं, क्योंकि ताकत कितनी भी बड़ी हो, अलम के सामने छोटी पड़ जाती है। अपने अंदर दो चीजें पैदा कर लो, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि इसीलिए आती है क्योंकि उससे आपको अपनों की पहचान हो जाए। हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने तुम्हारा सब कुछ खोया तुम्हारी इस ट्रबल के दौरान और तुम्हारी इस सक्सेस के दौरान, जिसने अपना सब कुछ खोया, अपना सेहत खोया, लोगों की तनकीदें सुनी, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना, और वो है तुम्हारा बाप। और दूसरा, जिसने तुम्हारी इस ट्रबल के दौरान दिन और रात दुआएं मांगी अल्लाह ताला से, जय नमाज पे 24 घंटे में 10 घंटे गुजारे जय नमाज पे तुम्हारे दुआओं के लिए, और वो है तुम्हारी माँ। उस माँ का हाथ भी कभी मत छोड़ना, और जब तुम ऊंचाई के पहाड़ों पे पहुंच जाओगे कभी गरूर मत करना, क्योंकि गरूर, जब एक शेर गरूर करता है तो उसको कुत्ते भी घेर लेते हैं, और जब कोई इंसान गरूर में एक बड़ा मकान बनाता है, एक बड़ी हवेली बनाता है, लेकिन जब वो उस हवेली पे चढ़ता है उसको अपने ही हवेली की तरफ वो अच्छी तरह से देख नहीं पाता है, उसको अपनी हवेली पे नजर नहीं पड़ती है। ये हजरत अली करम अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिंदगी दो दिन की है, एक दिन तुम्हारे खिलाफ होगी तो उस दिन सब्र करना, और एक दिन अपनी मां को भी काय सब देती है। बड़े खुशनसीब है वो जिनको माँ आज भी सर पे हाथ रखती है, बड़े खुशनसीब है वो जिनको माँ आज भी फोन करती है कि आपने खाना खाया, बड़े खुशकिस्मत है वो, बड़े खुशनसीब है वो जिनको माँ फोन करती है कि देर क्यों हो गया, बड़े खुशनसीब है वो जिनको माँ आज भी फोन करती है कि आपने खाना खाया, बड़े खुशनसीब है वो जिनको माँ आज भी फोन करती है कि बेटा लेट क्यों हो गया, बड़े खुशनसीब है वो जिनको माँ कहती है कि देखो ये मेरा प्यारा लाड़ा है, बड़े खुशनसीब है वो जिनको माँ की खदमत करने का मौका मिल रहा है, वो बड़े खुशकिस्मत है वो जिनको माँ आज भी परेशानियों और दुखों में माँ की प्रोटेक्शन मिलती है, माँ की जोली मिलती है, माँ का प्यार मिलता है, माँ की अप्रिसिएशन मिलती है, माँ का एनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन बड़े बदनसीब है वो जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए, बड़े और उससे भी बड़े बदनसीब और कमजोर है वो जो आज भी सोचते हैं कि हम माँ बाप को छोड़ के चले जाएंगे और किसी और जगह रहने लगे।